चलो साफ करें, साफ करें, साफ करें, साफ करें, चलो साफ करें। I mean, I don't have words to say how much I respect the team of Swachh Bharat Mission. बहुत inspiring है, हमारे लिए भी बहुत motivating है कि the team is led by a very dynamic secretary, Mr. Param Iyer sir, Parmeshwaran Iyer, जिनको हम सब लोग Param Iyer कहते हैं. Thanks to his leadership and of course the leadership of Akshay Raut sir, कि उन्होंने दूरदर्शन में बिलीव किया, उन्होंने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया, एनकरेज किया और मोटिवेट किया कि हम आज इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस को आपके सामने लेकर आए हैं. वी आर इंस्पायर्ड, वी आर मोटिवेटेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. एक तरह से कहना चाहिए कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसको अगर हम कुछ भी थोड़ा भी फॉलो कर पाएँ तो हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा. जो ये स्वच्छता का एक फेस्टिवल हमारी कंट्री में चल रहा है, भारत में चल रहा है, और जैसे कि राजीव जी ने कहा कि जो ये यज्ञ चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए हमें बहुत खुशी होती है. और सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो आपने पूछा कि चलो साफ करें, इसका कॉन्सेप्ट कैसे बना और इसको हम कैसे ले करके आए, इसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि जब दूरदर्शन में हमने अपने प्रोड्यूसर्स का टैलेंट देखा तो हमें पता चला कि दूरदर्शन में दम है और बहुत ज़्यादा दम है. और बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपने प्रोड्यूसर्स को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, उन्हें एम्पावर करने की ज़रूरत है और उन्हें इनेबल करने की ज़रूरत है, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं. और आज जो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री इंडिया में है, प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री, यहीं के लोग, दूरदर्शन के लोगों ने ही उसको बड़ा और खड़ा किया है, तो दूरदर्शन में बहुत काबिलियत है. और उसकी एक मिसाल आपके सामने अश्विनी हैं जिन्होंने इस सीरियल को अपने बलबूते पर खड़ा किया, तो उनके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉस. ऑफ कोर्स थॉमस जिन्होंने उनको हर तरह से सपोर्ट किया. मुझे पता है कि इनिशियल जैसे कि स्टार्टिंग में होता है, जब गाड़ी शुरू होती है तो स्टार्टिंग में हिकअप्स होते हैं, वो हिकअप्स हुई, बट उन्होंने अपने जोश से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है. वो फैंटास्टिक टीम एंड द लीडरशिप दैट यू पीपल आर प्रोवाइडिंग, आई थिंक द एंटायर कंट्री विल बी ग्रेटफुल टू योर लीडरशिप. थैंक यू वेरी मच. मैम, एक सवाल मैं आपसे और ज़रूर करना चाहूँगी, जो सब ने, अश्विनी जी ने कहा, राकेश जी ने, सब ने इस बात का जिक्र किया कि इट्स अ फर्स्ट एवर कॉमेडी शो, चलो साफ करें. कॉमेडी को स्वच्छता से जोड़ने का, आप हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हम सबको गाइड करती हैं, इनकरेज करते हैं, बट ये जो चीज़ आप लेकर आए, क्या माइंड में था कि स्वच्छता की बात कॉमेडी के थ्रू भी की जा सकती है? तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि दूरदर्शन में हमने अभी बहुत सारी चीज़ों को एक डिफरेंट तरीके से देखना शुरू किया है, क्योंकि हमें भी बदलना है. जिस तरह से नई जनरेशन बदल रही है, रिक्वायरमेंट हैं प्रोग्राम्स की, वी शुड ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम्स. तो अब जो फॉर्मेट्स बहुत पॉपुलर हैं, लोग बहुत बोरिंग प्रोग्राम्स नहीं देखना चाहते हैं, दे वॉन्ट सम एक्शन, सम कॉमेडी. और अब जो द व्यूअरशिप पैटर्न इज कम्प्लीटली चेंजिंग, वेयर यंग जनरेशन वॉन्ट्स द इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली. सो दिस इज़ आवर एफर्ट. जैसे आपने भी बात की थी, अभी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आपको दूरदर्शन पर देखने को मिलेंगे. आपने थॉमस ने बात की थी सफ़र मंजिलों का, अगेन थैंक्स टू द सपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड अक्षय राउत सर, दैट वी विल बी ब्रिंगिंग मेनी मेनी मोर न्यू प्रोग्राम्स. वाह क्या टेस्ट है, आपने बात की, जो कि हमारा इन हाउस कुजीन शो है, विच इज़ वन ऑफ दी that was the number one show during that period when we were running it, and it was completely made in house like that. I'm very happy to say that very very nice, impactful and meaningful programs ko hum Doordarshan par lekar ke aane wale hain. Chalo saaf kare, saaf kare, saaf kare, saaf kare.